प्रणाम तत्व मुहिर ये कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आज आम गभर विषय को चर्चा को नौछे गभर रु गभरतम भाव चर्चा करवा विषय वस्तुटी प्रथम मु विषय वस्तुटी स्पष्ट करदे चाहेबी। आज चर्चार उद्देश्य है सत्यर सठिक प्रचार होगा दरकार, आध्यात्मिकतार सठिक प्रचार प्रसार हवा दरकार। आमे आज जो चर्चा को नईचे कौनसी राजनैतिक नेता बल कौन लोक बड़ छोट कहार सपक्ष कहार विपक्ष जीवार आमर उद्देश्य नुहे, कौन भगवान कौन जाति धर्म को बड़ छोट देखा उचा नीचा देखा आमर उद्देश्य नुहे। आज चर्चा आम सहित जोड़ी अच्छा गुरु भाई प्रियरंजन, तो आसतु आम आज चर्चा को आग को ना। तो गुरु भाई प्रणाम। प्रणाम गुरु भाई, आम कौटना कौटि आम देखीचे मठ मंदिर मानक विग्रह स्थापना हो प्राण प्रतिष्ठा हो बहुत अर्थ विनियोग अर्थ विनियोग हुम यज्ञ माँ मौसी मानकर बहुत अवदान रोच माँ मौसी मैंने उपवास करुछंती कलश बुड़िया बुड़ाऊंती मैंने बहुत किसी एमती आमर गहन आम परिवार देखी कौटी दुर्गा पूजा है कौटी गणेश पूजा है सीट जो विग्रह सरपे आप पचार प्राण प्रतिष्ठा कौन। आज्ञा मुझे गोटे क्वेश्चन कही रखी आम जो प्राण प्रतिष्ठा हो माने आम कहे ठाकुर जीवदान पाईले प्रकृत कौन यहाँ सत्य ए कथार जुक्तियुक्त गोटे प्रमाण आप दिखु। हाँ बहुत सुंदर प्रश्न पचारे। देखते गोटे कथा आध्यात्मिकता को मानिचे आम समस्ते कि आध्यात्मिकता पछाड़े बहुत सारा रहस्यमय कथा अच्छे से मानवा सागर आम जानवाप प्रयास करने आध्यात्मिकता देखते आज्ञा बहुत सरल बहुत स्पष्ट कि स्पष्ट आध्यात्मिकता को बहुत सारा आस्था विश्वास बहुत जटिल करजर स्वार्थपूर्ति करने अनेक शरीर विनियोग करा सर्वप्रथमें आम जानवा दरकार। देखो आध्यात्मिकतार किसी मानिया पड़े सब स्पष्ट देखा जा आमे इटे हूँ कौन देखु गोटे करुचे गोटे कि उद्देश्य कौन बुझुने आप जो कहले प्राण प्रतिष्ठा कौन सर्वप्रथम मत कहतु प्राण कौन। नॉर्मली आम जाने सजीव वस्तु जो मैंने आमर परिपार्श्वर जो अच्छा आमर जीवन जो मान देहर अच्छी जमी कीट पदक मनुष्य पशुपक्षी ए मानक देहर प्राण अच्छी से आम जाने जे यही मानक देहर प्राण अच्छी मानते जहाँ भितर प्राण अच्छी आम प्राणी कह प्राणी कहे से ना मैंने आप अनुजाई सजीव निर्जीव ठीक कले बढ़िया कथ कहे निर्जीव मानने जी जहाँ भितर प्राण ना जी चली बुली पार ना सजीव मानने जी तर प्राण शक्ति अच्छे सी चली बुली पारे वृद्धि हो कि जो जहाँ भी एक्टिविटीज कर। अच्छा गोटे कथा कहतु प्राण को प्रतिष्ठान करा जाए कि जितक सजीव कथा आप कहले सजीव भितर प्राण अच्छी ना प्रतिष्ठा करा जाए ना यह मातृगर्भर प्राण सुंदर कथा प्राण प्रतिष्ठा कौन करा जाए मातृगर्भर जड़े शिशु जन्म है शिशु मनुष्य शिशु हो कि गोटे छेली छुआ हो कि गोटे आपणकर काऊर छुआ हो काऊर जहाँ भी जितक भी आम पशु देखुचे पक्षी देखुचे मनुष्य देखुचे से जितने जन्म ही सारती भर प्राण थाए प्राणर प्रतिष्ठा कर आवश्यक ना तो आप कह अनुजाई ये जो प्राण प्रतिष्ठा होचे एटा कौन। आज्ञा सब जहाँ भी आम कथा प्रथा करचे तार निश्चय किसी उद्देश्य अच्छे ता उद्देश्य कौन गोटे कथा बुझु आध्यात्मिकतार प्राथमिक पूजा है मूर्ति पूजा प्राथमिक पूजा। प्राथमिक पूजा माने कौन जमीक भावतु गोटे शिशु अच्छा गोटे शिशु को आम शिशुर योग्यता को लेकर शिशुर मनर स्थित को लेकर आम विद्या को शिखाऊे छोट पाटा को जहाँ बयस सात रु आठ वर्ष ही थी से छोट पाटा को आम नानो टेक्नोलोजी बुझेले बुझिपारे न्यूरो साइंस बुझेले बुझिपारे रोबोटिक टेक्नोलोजी बुझेले बुझिपारे कहीं छोट पाटे भितर एत भौतिक ज्ञान ना से साइंस को चिन्हनी से पाठ्यांशर गभीर भितर को जाए से छोट पाटा बुझिपार नहीं से छोट पाटा को आम कि मॉडल देखाऊे कि फोटो देखाऊे कि चित्र देखाऊे से पाटा को सर्वप्रथमें भौतिक ज्ञान को धीरे धीरे आम पढ़ाऊे धीरे धीरे से पिलार ज्ञान जमी गभर हेका जापर से पिला साइंस पढ़ु मैथमेटिकल बहुत सारा रिजनिंग करुच्ची
ସେଠୁ ଗଭୀରତା ଗଭୀର ପାଠକୁ ସେ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ତା ଜ୍ଞାନକୁ ସେତେ ସଶକ୍ତ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁର ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁର ହେଉଛି ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବନାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ସାଧନାରେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଫଟୋ ପୂଜା ଏମିତି ତ ପ୍ରଥମ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ସାଧନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଋଷି ପରମ୍ପରାର ଦେଶ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର ଦେଶ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଥିଲେ ସେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କୌଣସି କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ ସେ ତ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁନଥିଲେ ନା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ ଭଗବାନ ରାମ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ସେମାନେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ସାଧନାକୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଦ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ବେଦ ବେଦ ବେଦକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଚାରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସଂହିତା କାଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଣ୍ଡ ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ ଆଉ ଉପନିଷଦ କାଣ୍ଡ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ପୂଜାରେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକ ପୂଜା ହେଲା ବେଦର ଯେଉଁ ସଂହିତା କାଣ୍ଡ ସଂହିତା କାଣ୍ଡ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ଯେଉଁ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ବିଧିବଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ପୂଜା ବି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆମେ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେମିତି ମଣିଷ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥରେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନରେ ହଜିମଜିକା ଗଲେ ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହିଁକା ଗଲା ମନ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆକୃତି ଆକାରକୁ ଦେଖିନି ସେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବନି ମାନେ ଅରୂପ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ କିଛି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଅରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଲେଖ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରହ୍ୟ ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସେ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ଆଧାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏନି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ କରିକିରି ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଉଥାନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଭାତ ଏଇଟା ଡାଲି ସତ୍ୟ ସତିକା ଭାତ ନଥାଏ କି ଚୁଲି ନଥାଏ କି ହାଣ୍ଡି ନଥାଏ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ସେହିପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ପୂଜା କୁହାଯାଉଛି ସେହିପ୍ରକାର ଆସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରୁ ବୁଝେଇ ହେବନି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇ ହେବନି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ କହିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭଗବାନ ଯଦିଓ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛି ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ବିବେକ ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ହେଉଛି ବଳବତୀ ହେଉଛି ସେ ପଚାରିବା କଥା ଇଏ ଭଗବାନ କେମିତି ଇଏ ଠାକୁର କେମିତି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ହେଲା କହିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପିଲାଟା ଯେମିତି ବଡ଼ ହେବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥା ଶିଖିବା ଦରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁ ପୂଜିବି ସର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥା ଟିଚର କହିବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଅହିଂସାକୁ ଶସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଧରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ନିଜେ ଏତେ ବଡ଼ ଓକିଲ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକିରି ଦେଶରେ ପାଦଯାତ୍ରା କରିକିରି ଦେଶକୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମହାନ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପୂଜିବା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଅହିଂସାକୁ ସତ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାଟା ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛି ସେମିତି ଏଠି ବି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜୁଛେ ଭଗବାନ ରାମ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରୁଛେ ସେ ବିଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଛେ କେଉଁଥିପାଇଁ ପୂଜୁଛେ ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ରହୁଛି ଯାହା ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ
जब आम से कथा को मानवानी काले पाप हम काले किसी क्षय क्षति हम काले एक्सीडेंट इंसीडेंट हम काले धन क्षति हो ठाकुर काले श्राप्य देवे एति मन रखत ठाकुर केवे कह अनर्थ करती ठाकुर तो अकर्ता ना ठाकुर लीला को रचई प्रत्येक शरीर प्रत्येक आकार आकृति भितर से आधार रूप से मूल रूप से उपस्थान मान अच्छा बुझिपार से अकर्ता किसी करना करुच्छे किए पंचभूत गढ़ाही शरीर इंद्रिय मन एम सब कार्य कर तेणुक कहार उद्देश्य आशा कर बुझिपारे ठाकुर कहार अनर्थ करती आम सर्वप्रथमे डर को मनर काढ़ दरकार मूर्तिर प्रतिष्ठा करुचे छोट पाने खेलुले सेमती ये भी गोटे प्रकार खेल खेल कौन विग्रह मध्यम मनरे भाव को मनरे भक्ति को मनरे वैराग्य को धारण करी आध्यात्मिकता भीतर को प्रवेश करने विग्रह आराधना है प्राथमिक पूजा साधन प्राथमिक पूजा अच्छा गुरुदेव आपण कहते जे एटा जनसाधारण एवं प्रारंभिक स्तंभ अच्छे आध्यात्मिक ना ना यहाँ एमती भी कही पारे जनसाधारण जो प्रारंभिक दशार अच्छा आप कहे प्रारंभिक दशा कि कह बहुत बड़ बड़ ज्ञानी मान लोक अच्छा बहुत बड़ बड़ वृद्ध लोक अच्छा शरीर बड़ हो कि मन बड़ है बेक बलवती है कारण टी पूर्व आम चर्चा होते से डर आस्था विश्वास बांधे अच्छा ये डर मुक्ति केमती हाँ डर मुक्ति हाँ आम शास्त्र अनुजाई कर्म करवा शास्त्र अनुजाई आम उपासना करवा शास्त्र है सर्वोपरि शास्त्र भितर भी तीन टा शास्त्र है मूल बुझिपार भगवद गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र अच्छा सनातन धर्मर मूल ग्रंथ है मूल शास्त्र है वेद वेदर सारांश है उपनिषद वेदर सार तत्व उपनिषद लिखाई उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहुए उपनिषद ठाकुर तत्वर वर्णना है ठाकुर सत्यर वर्णना है आमे अनेक मठ मंदिर विभिन्न प्रकार आलोचना करुचे विभिन्न प्रकार धार्मिक अनुष्ठान करुचे विभिन्न प्रकार धार्मिक चर्चा करुचे प्रवचन करुचे किंतु उपनिषद चर्चा होंचे कि नहीं गुरुदेव कौन तो आपको उपनिषद आप शुणी उपनिषद ना गुरुदेव मुझे शुणी ना मो परीक्षा बहुत लोग एमती पचर रही थे उपनिषद कौन जाणी ना वेद कौन जाणी न मु गुरुदेव ये गोटे क्वेश्चन कही रखी कि आपण जो कहले वेद उपनिषद एगुराक सब ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या देन मुझे कहबी कि एगुराक कहीं प्रचार प्रसार कर कहीं विलुप्त कर रखि दि जाऊँ कारण अच्छे देखते आज आम गोटे समाज में इमितिया जगार आँचे मूल कथा बुझु धर्मर सटिक प्रचार न होवर मनुष्य समाज दिनों दिन स्वार्थी हेका चलुंट देखो देश उपरे भारत उपरे अनेक देश आक्रमण कले आम देश को स्वाधीन करने अनेक दिन संघर्ष कले देश स्वाधीन होला पर भी राजनीति एक प्रकार कह गले स्वार्थ नीति चली कूटनीति कूटनीति कहतु गोटे स्वार्थ नीति कहतु राजनीतिर उद्देश्य थिला समाज को श्रृंखलित रखा समदृष्टि समस्त आवश्यकता को पूर्ति करवा बुझिपारती कहार खाद्यर पेयर वस्त्र चिकित्सार तापर आपंकर जो विद्यार ये मूल आवश्यक ये सब जिनस को आवश्यकता को पूर्ति करवा समस्ते समान भाव भातृभाव मिलमिश चलवा कि राजनीतिर उद्देश्य तो यहीटा कि आजिकल देखु जहा पाखे टी धन ना जस ना बल ना सी आट किसी पा ना आध्यात्मिकता को आश्रा नहीं जाऊँगी आध्यात्मिकता को कारण आध्यात्मिकता को मध्यम करके राजनीति चलती देखो आध्यात्मिकता केमी स्थित आसे पहुँची आध्यात्मिकतार प्रचार केवल दुईटा उद्देश्य रही गोटे उद्देश्य है जे राजनीतिक चर्चा करजर गरिमा प्रतिष्ठा निजर प्रतिच्छवि को प्रज्वलित करने निजर सम्मान ख्याति बढ़ेपाई निजे समाजप कौन गोटे कर दर्शेपाई राजनीतिक नेता मैंने आध्यात्मिकता को विनियोग कर द्वितीय आध्यात्मिकता को निजर स्वार्थपूर्ति करने अर्थ उपार्जन करने धन उपार्जन करने भी विधि चली किए दर्शन बिकिले किए फल बिकिले किए फूल बिकिले किए वास्तुदोष को बिकिले राशिफल को बिकिले भगवान ना किए जंत्र मंत्र तंत्र बिकिले साधनार केवल गोटे कथा गोटे उद्देश्य बुझंतु साधनार गोटे उद्देश्य सत्य को चिन्हा निजर सत्स्वरूप को जाणी मु किए मु ये संसार को कहीं आसी मोर ये संसार सागर संपर्क कौन मंदिर आज्ञा छोटमोट कथ नुह मंदिर बहुत बड़ कर्तव्य अच्छे
मठ मंदिर चाहिले संपूर्ण समाज को श्रृंखलित कर एकात्म भाव में गोटे परिवार करि परिबो बुझिपारछन्ति। आध्यात्मिकता आमको शरीर उद्देश्य को शरीर प्राधान्य तो आमको बुझाए वैल्यू। अच्छा गुरुदेव आपण ये कह रखिले कि आमर जो मूर्ति पूजा होची मूर्ति को आम पूजुचे कि स्थापना करुचे आपण एटा को मना करुछन्ति माने विरोध करुछन्ति विरोध तेणु मठ मंदिर को कौन पाई आम कौन पाई जिबे मठ मंदिर कौन पाई रहिबो कौन पाई गड़ी उठिबो ये सब मठ मंदिर। हाँ बहुत उद्देश्य अच्छे देखो मठ मंदिर रो बहुत बड़ आवश्यक अच्छे समाज पाई मठ मंदिर ही समाज को जेहेतु मूर्ति प्रतिष्ठा हबो नाही तले लोक माने जनसाधारण माने मठ मंदिर को कौन पाई जिबे मठ मंदिर तो गढ़ी उठिबो नाही मूलरु ना 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 सेटा न देखंतु गोटे कथा एतिक बुझंतु मंदिर हला गोटे साधना कक्ष साधना करिया पे आमे निर्माण करथिबा शिविर आपण मंदिर कहंतु मस्जिद कहंतु चर्च कहंतु गुरुद्वार कहंतु ए कथा को किए मानंतु न मानंतु मानिले भी सत्य उपरे कोनसे प्रभाव पड़िबनि न मानिले भी सत्य उपरे कोनसे प्रभाव पड़िबनि जे मानु सत्य तांको उपरे प्रभाव पड़ि पारे मु कहि रखिबे आपणकु आमे एखा जो विषय रे चर्चा को नउचे आपणकु किए मानिबे बहुत लोग कहिबे कि नाही नास्तिक नै ठीक अछि ओला प्रकार कहिबे नै ठीक अछि सुनंतु सुनंतु म बढ़िया प्रश्न कले मते केहि मानियार आवश्यक नै कि मु बहुत बड़ बाबा साधु भी कहु आपणकु काटि दे साधारण लोक ना काटिदेवे ठीक अच्छे मत न मानतु आप शास्त्र पढ़ु आप उपनिषद पढ़ु आप वेदांत पढ़ु आप भगवद गीता को पढ़ु भगवद गीता गोटे सुंदर शास्त्र भगवद गीतार सब कथा बहुत सुंदर भाव में व्याख्या करके लिखाई ठाकुर तत्वज्ञान तत्व चर्चा तादरे उपस्थापन ठीक अच्छे ये ब्रह्मज्ञान गोटे छंदुरा जाल परीका सगर परीका आमे कुआडे कथा होता आउ कुआडे पहुँची जा गोटे विधि जा गोटे प्रश्नर उत्तर को सर्वप्रथम आम व्याख्या करापर आम आर प्रश्न को जी सर्वप्रथम थी मंदिर कथ कहते मंदिर को जन कहीं जब मंदिर में मूर्ति नंदिर फटो नाकिे मंदिर को जो आम जाऊे ता उद्देश्य बुझु मंदिर को आम शास्त्र अध्ययन करने जबार आवश्यक अच्छी मंदिर को आम सत्संग करार आवश्यक अच्छी मंदिर को आम ब्रह्म विद्या को शिक्षा जबार आवश्यक अच्छे आम स्कूल को कहीं जाऊे पाठ पढ़ा भौतिक विद्या शिक्षा भौतिक विद्या को अपरा विद्या कह जाए अपरा विद्या मानते केमती जीवन जापन करवा केमी चलवा यह सब कथा आम स्कूल शिक्षा जाऊे सेमती मंदिर है परा विद्यार गोटे विद्यालय परा विद्या ब्रह्म विद्या ठाकुर कौन ध्यान कौन धारणा कौन स्वाध्याय कौन मोर सत्स्वरूप कौन मु ये हाड़ मांसर गढ़ा ही शरीर ना मु ये शरीर उद्धार किसी थी शक्ति मु ये संसार जितक शरीर देखुची ये सब मोठ भिन्न ना अभिन्न आम सब दुई अनेक ना अद्वैत बहुत गभीर कथा आज्ञा अच्छी बुझिपारछन्ति किंतु सत्यर सटीक से प्रचार होनी किछि लोक धन उपार्जन करने ईश्वर को माध्यम करके धन कमेबा दर्शन बिकिबा फल बिकिबा प्रसाद बिकिबा मंत्रतंत्र बिकिबा ये सब बिकिबा चक्कर रे मंदिर करसंते मूर्ति विग्रह प्रतिष्ठा करसंते तांको उद्देश्य सेठी रहन्छि धन उपार्जन करिबा द्वितीय किछि लोक रहन्छन्ति राजनीतिक दल कहतु कि जे भी कहतु निजर गरिमा को प्रतिष्ठा को मार्जित करने पैसा नहीं किसी ना गोटे इश्यू बाहर करदे गोटे बाहर करदे कौन ना देखते आज्ञा देश स्वाधीन है भी देश देश जदि भिन्न होता उद्देश्य स्वार्थ नीति ता उद्देश्य निजर स्वार्थपूर्ति करवा हिंदू कहतु तो मुसलिम कहतु तो, समस्त मिलमिशिक देश को स्वाधीन करने चेष्टा करते जाति प्रथा धर्म कौटी बाहर धर्म किसी शरीर माने निजर स्वार्थपूर्ति करने देश देश को विभाजन करसुंती दुई करसुंती किंतु इटि आमे समस्त कौन ना आस्था विश्वास रे बांधे हेकर अच्छे आमे शास्त्र पढ़ुने भगवद गीता को देखिबे घरे घरे भगवद गीता अच्छे फूल चन देकर पूजा करसुंती मुंडिया मारसुंती किंतु भगवद गीता भितर कौन लिखिया हेंचे भगवान कृष्ण कौन तत्व को कौन थिले भगवान कृष्ण अर्जुन को कौन सत्य कथा बुझिया चेष्टा करते बहुत सुंदर भाव प्रत्येक श्लोक अच्छे लिखाई इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियोभ्यो परो मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिर् परतस्तु सः
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଶରୀରଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ମନ, ମନଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଆତ୍ମା। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ସିଧା କହିଥାନ୍ତେ ମୋତେ ପୂଜା କର, ସରିଗଲା। ଅଠରଟା ଅଧ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା? ସାତଶହଟା ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଭୁଲ ଭୁଲ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଶିଯାଇଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ବି ଅନେକ ଶରୀର ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟର ସଠିକ୍ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଧନ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବେ ଏମିତିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧନ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା, ନିଜର ଖ୍ୟାତିକୁ ବଢ଼େଇବା, ଯାହାଫଳରେ ସତ୍ୟର ଠିକ୍ସେ ପ୍ରଚାର ହେଉନି। ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ଜୀବ ଦେଇକରି ଜୀବନ୍ତ କରିଦେବେ? ସେ ଭୋଗକୁ ଖାଉଛି, ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଖାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ପରଖୁନେ। କିଛି ଭୁଲ ସମାଜର ରହୁଛି, କିଛି ଭୁଲ ଆମମାନଙ୍କର ବି ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ଡରରେ ଆସ୍ଥାରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯାଇକି ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଇଏଟା ବହୁତ ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ବହୁତ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେଇକିରି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ମାନେ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଏହା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆ ଉପରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଏହାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବୁଝିପାରି ଆଖ୍ୟା ଦେବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ରାମ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମସଜିଦ୍ କରାଗଲା। କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା ଅଛି, ବୁଝନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଯେଉଁ ପରିକା ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ମାନିଥାନ୍ତି, ସେ ଭାବନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟର ଚରମ ସୀମାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ପରିକା ମାନିଥାନ୍ତି ସେ ପରିକା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଏକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିକା ମାନିଛି ସେହି ପରିକା ସମସ୍ତେ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲିକରି ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଂକାର ଥାଏ। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ବୁଝିବେ, କାରଣ ଫେରେ କଥା ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ। ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଭାଷା ଅଛି, ତାମିଲ ଭାଷା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଅଛି। ଭାଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପାଣିକୁ ଯେଉଁ ନାମରେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦୁଇ ହେବ କି? ପାଣିର ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି? ହେବନି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯାହା ପାଖରେ ସତ୍ତା ଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକାର ଥାଏ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପରିକା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ମୁସଲିମ ରାଜାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିକା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିକା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ଗଢ଼ିଦେଲେ। ଏ କଥା ଅନେକ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ, ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମସଜିଦ୍ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା? ଫେର ମସଜିଦ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ମନ୍ଦିର ଯାହା ମସଜିଦ୍ ସେଇଆ, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଥିଲେ ତିନୋଟି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖିକିରି କହିଲେ କି ଜଳରେ ତିନୋଟି ପାତ୍ରରେ କେତୋଟି ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ, ଗୋଟେ ଜଳର ଉଦାହରଣ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଜହ୍ନ ଏକ ଥିଲେ, ଏକ ତିନିଟା ପାତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ହିଁ ଜହ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଭାରି ତୃପ୍ତ ଲାଗିଲା ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ମସଜିଦ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆଲ୍ଲାହ କୁହନ୍ତୁ, ରାମ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଅରୂପର ଆମେ ନାମ ଦେଇଛେ, ସେ ମାନେ ଅରୂପର ଆମେ ରୂପ ଦେଇଛେ, ସେ ଅନାମୀର ଆମେ ନାମ ଦେଇଛେ, ସେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସେ ନିରାକାର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପରିକା ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଚଳୁଛେ, ତାକୁ ବି ଯଦି ମାନିବା, ମସଜିଦ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମନ୍ଦିର କଲ, ମନ୍ଦିର କଲ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପୋତିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ମ୍ବର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ଏକତ୍ର କରିକିରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେ ଧନ କାହାର, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେ ଯେଉଁ ଧନ ପୋତା ହେଲା, ତା'ର କ'ଣ ଲାଭ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଲାଭରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଯିବା?
अच्छा गुरु भाई केमिति लाभ नाही कहउछंती एहा द्वारा बहुत माने लोक काम पाइबे बहुत पंडा पंडित माने काम करिवे बहुत टूरिस्ट प्लेस गोटे भारतर टूरिस्ट प्लेस कहले चले बहुत टूरिस्ट रो आसी करी सेठी होटल रे रहिबे रेंट रे रहिबे अन्य देश रे भी आसीबे कोन से आज्ञा टूरिस्ट प्लेस रु अच्छा सुनो तो आपन कथा ठीक अच्छे आपन कया कथा आपन कया कथा से जो मंदिर गढ़ा है अनेक लोग काम पाइबे सेठी चार पाका जो फल मूल बिकिबे चार पाका जो धूप दीप बिकिबे टाइप रो बहुत ठीक अच्छे रेवेन्यू आसीबो सेठी रेवेन्यू आसीबो ठीक अच्छे मते गोटे कथा कहंतु से जो रेवेन्यूटा क्रिएट हबो से रेवेन्यू द्वारा मनुष्यर आस्था उपरे गोटे आघात होउछि ना नै मनुष्यर विश्वास उपरे गोटे आघात होउछि ना नै आपण कहिले अनेक विदेशी माने भी आसिबे विदेश रु एते दूर रु जणे यात्रा करिके आसिबो से जो ठाकुर पाखकु आसुछि से जदि साधनार उद्देश्य को पूर्ति करिवनि से जो ईश्वर उपासना करछि तार उद्देश्य कोन निजर अस्तित्व को निजर सत्स्वरूप को निजर ब्रह्मसत्ता को चिन्हिबा से जिनस भी पूर्ति हेलानी कि से विग्रह दर्शन कला द्वारा ताक भितर किछ परिवर्तन आसे दरकार ना जणे जदि धन खर्च करुछि तार किछ परिवर्तन आसे दरकार से उद्देश्य सेठी पूर्ति हेला कि मूल कथा द्वितीय कथा बुझंतु आमे जदि धन उपार्जन करिया पई चाहुचे से जो पैसा सेठी पोता हेला खपा हेला से पैसा रे आमे गोटे इंडस्ट्री करि पारथांत ना नै इंडस्ट्री करथले देखंतु गोटे आमे इंडस्ट्री कले गोटे फूड इंडस्ट्री कले किछ खाद्य जिनस को आमे सेठी उत्पत्ति कले खाद्य जिनस जेतरा आमे उत्पादन करबा कि किछ वस्त्र सेठी कले कि किछ वस्तु अछि जोंटा के आमे दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करछे सेमि त वस्तु को जेतरा निर्माण कले सेठी देखंतु एक रे सेठी समस्ते काम पाइले श्रमिक माने श्रमिक माने काम पाइले जहाद्वारा से दरमा पाइले एक रे द्वितीय हैला से जो श्रम द्वारा गोटे वस्तुर निर्माण हैला ताकु जने उपभोग कले ताकु जने विनियोग कले जहाद्वारा तांकर भी आवश्यकता पूर्ति हैला तृतीय हैला इकोनॉमी बहुत हाई ग्रो कला सिटी उद्देश्य पूर्ति होंची ना इठी उद्देश्य पूर्ति होंची भावंतु इठे आम आस्था विश्वास संगे खेलने आपन तो कहले विदेशी मान कथा कहले आपन तो बहुत बड़ बड़ बाबा साधु बाबा सरी कहते बहुत बड़ बड़ बाबू को कथा कहते जहाँ पाखे नाम जदि पैसा अच्छे जहाँ पाखे धन अच्छे से टूर पलैबे आ जो साधारण लोक मैंने जी खाया को गंडे पाऊनी सी हूँ हजार हजार टाँग खर्च करा समस्त विश्वास बांधि कर घर खाया को ना कि आम पुराए पैसा नहीं करवा से मंदिर दर्शन करवा ठाकुर दर्शन करवा सीटी आस्था उपरे आघात हो ना सीटी विश्वास उपरे आम विश्वास सागर आम खेलुचे ना ना सेटा कौन ठीक कि जड़े जहाँ पैसा नहीं सी हूँ पैसा पुराए रखिकी राम मंदिर को जी कि मंदिर दर्शन कले कौन पर दिय दर्शन करदे आप परिवर्तन आसीजीव इंद्रिय संयम हो मनर नियंत्रण हो ब्रह्म तत्व को चिन्ह पारे कथा बुझिपारती तेणुकर आम से लोक आस्था विश्वास सागर खेलुने आस्था उपर आघात दौने विश्वास सागर खेलुने तेल यहाँ कौन प्रकार लाभ जदि पैसा कमे चाहते तार विधि अच्छी तार मार्ग अच्छी तार विधान अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन करूँ लोक काम दिंतु बुझिपार सठिक मार्ग दिंतु पैसा कमे अच्छी कितु ये देखते दीटा दीटा क्षति को आमको सहयोग पड़े दीटा क्षति कौन आध्यात्मिकतार जो उद्देश्य अच्छे मुक्ति प्राप्त करवा निर्वाण प्राप्त करवा मोक्ष प्राप्ति करवा से तो हो पार नहीं कहीं आम मूर्ति भितर बाहर बुलूचे अंतर्जात्रा करानी साधना अंतर्मुखी हो पारानी ध्यान धारणा स्वाध्याय तप जो आम वैदिक परंपरा सब जिनस अच्छी आम एक तो अंतर्जात्रा करानी अंतर से ब्रह्मशक्ति पाखे पहुँची पारानी भौतिक आडंबर में हजिम हजिक रही साधनार उद्देश्य पूर्ति होनी प्रथम द्वितीय मनुष्यर आस्था विश्वास सागर आम खेलुचे तृतीय हैला बहुत सारा अहंकार भी जागृत हो धर्म को लेकर जो आम युद्ध करुचे जड़े जी जीतिला जड़े जी हारिंस भितर गोटे जिद्दी रही सी भी गोटे कि कुकर्म करने पांचब से बुझिपार जेहे आम आस्था विश्वास सागरे आम जोड़ी हिंक अच्छे से अजाणत आम भितर कि गोटे प्रतिशोध भावना आसीज तृतीय हैला आम से धन सत्य के नुचे आज ना कल ना पर दिन सत्यर परिप्रकाश हम आम अनेक दिन वैदिक परंपरा को ठीक से प्रचार न करू वेद वेदांत उपनिषद प्रचार न करू आम कर्मकांड भितर हजिम हजिक अच्छे कितु सत्य नुचबन जो दिन जी भी ए सत्य को जानवे जो ईश्वर को खोजुची जो ईश्वर उपासना को मुझे करुच्ची जो वैदिक परंपरा को आम निर्माण कर उद्देश्य है आत्मतत्व को चिन्हा निजर सत्स्वरूप को जानवा जो से कथा को बुझे ये जो कर्मकांड हो जो स्वार्थ नीति चली
एटा गोटे मनुष्य विश्वास पर आघात हम ना ना आज्ञा गुरुदेव आपड़ एमती कहते आजिका डेट्रे राम मंदिर को लेकर बहुत हिंदू भारतवासी बहुत खुशी अच्छा दीपावली पालन करेंगे बोली कहते कि आपण मत कौन देखो मुँह भी खुशी अच्छी मु मंदिर विरोधी नुह मु राम विरोधी नुह मु सनातनी मु भी सनातन धर्म को आचरण करु मु पक्का सनातनी मु ईश्वर को मानवा संगे संगे ईश्वर को चिन्ह ईश्वर तत्व को बुझी मु शास्त्र अनुजाई विधिवत साधना करुच्ची तेणुक मु भी खुशी अच्छे खुशी कहनी मो उद्देश्य बुझे जो टंका से पोता है टंका द्वारा आम से गोटे वेदर पाठगार करते उपनिषदर प्रचार करते ब्रह्म विद्यार प्रचार प्रसार करते आम गोटे हस्पिटाल खोली पारि था आम गोटे इंडस्ट्री कर आप देखु अनेक लोक खाया को पाँना अनेक लोक बाहर फुटपाथ रे शोचार अनेक लोक किए वस्त्र पिंधा के पाँना खाद्य वस्त्र गृह विद्या चिकित्सा ये मूल जिनस से पैसा को सिठेरे नगे दरकार जहाँफल जदि आम आध्यात्मिकतार पैसा को नगुचे आध्यात्मिकतार उद्देश्य पूर्ति हे दरकार ब्रह्म विद्यार प्रचार हे दरकार आत्मज्ञान प्रचार हे दरकार तत्व चर्चार प्रचार हे दरकार जहाँ फल समाज श्रृंखलित हे बुझिपारती तेणुक ये बुझु ईश्वर कौन सी रूप ना कौन सी रंग ना कौन से नाम ना कौन से चिन्ह वर्ण ना से अरूप शक्ति को से अव्यक्त ब्रह्म तत्व को चिन्हापाई आम नाम देचे आम रूप देचे आम आकार आकृति देचे आम धर्मर निर्माण करचे आम अनेक भौतिक विधि विधान निर्माण करचे से अरूप को चिन्हापाई से अव्यक्त ब्रह्म तत्व को चिन्हापाई किंतु कौन से आकार आकृति ना अच्छा मुझे गुरु भाई गोटे कथा कही रखी आज्ञा आपण तो कहले ईश्वर निराकार आकार ना रंग ना चिन्ह ना वर्ण ना एमती कि माने आपण कहले कि निराकार आज्ञा देन यार किसी शास्त्रगत आगत युक्त प्रमाण आमको दे पार शास्त्र प्रमाण अच्छे आम पाखे शास्त्र प्रमाण देखु मांडुक्य उपनिषदर मांडुक्य न मुंडक उपनिषद नि मांडुक्य उपनिषदर प्रमाण तो बहुत थर दि सर मुंडक उपनिषदर प्रथम मुंडकर षष्ठ मंत्र अच्छे मंत्रर अर्थ को बहुत गभीर भाव अच्छे बुझु मंत्र यहपरिका यदृश्यम अग्रह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद्व्यायम यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा ये मंत्र रे कहा जाउछि ये तादृश्यम तांकर कोनसे से अदृश्य शक्ति भौतिक वस्तु भौतिक पदार्थ से नुहति यदृश्यम अग्रह्यम तुम ग्रहण करें अगोत्रम अगोत्र मान कौन अगोत्र को भल से बुझु अगोत्रम है गोत्र जी जन्म नि जो जाति प्रथा आम जहाँ भी निर्माण करे आम जो गोत्र गोटे पिलाटे जन्म हवा सांगे से पिलार किसी गोत्र दि जाए नागेश्वर गोत्र कश्यप गोत्र बुझिपारती आत्री गोत्र से पिला गोटे गोत्र दिए ये अगोत्र कहा जा अगोत्र मान कौन ईश्वर जन्म नि कि ईश्वर मृत्यु हुए नी से अजन्म शक्ति अगोत्रम बुझिपारती आरूप आरूपम तर कौन से रूप ना रूप वर्ण ना तेणुक ये जो श्लोक अच्छी ये मंत्र अच्छी आउ गोटे कथा कहते नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम नित्यम विभुम माने से देश काल वस्तुर ऊर्धर अच्छा आम कहींपर जे एत समय पूर्व ईश्वर नथिले केते समय पर ईश्वर रहिबे नै संसार विनाश हो पारे शरीर विनाश हो पारे पंचभूत विनाश हो पारे किंतु ईश्वर थिले ईश्वर अच्छा ईश्वर रहिबे ये शास्त्रगत प्रमाण आप मुंडक उपनिषद ये रखा ही देखो मुंडक उपनिषद स्पष्ट भाव में लिखाई इटि नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद्व्यायम यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा तद्व्यायम यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा माने भूतयोनि भूत मान कौन पंचभूत जो आकाश वायु अग्नि जल स्थल रूपक पंचभूत गढ़ाही थे ये संसार प्रत्येक शरीर भितरे से ही विद्वान अच्छा यद्भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा धीरा मान धी पुरुष जी आत्मज्ञानी जी ब्रह्मज्ञानी
जे ब्रह्मानुभूति करिसंती जे शास्त्र को ठीक से पढ़ी सी प्रत्येक शरीर भितर प्रत्येक मनुष्य भितर प्रत्येक जीवजंतु कीटपतंग भितर से एक ब्रह्म को देखती से एक ईश्वर को देखती ईश्वर देखु भितर चेतना रूप से चैतन्य रूप से आधार रूप से मूल रूप से ब्रह्म रूप से भितर अच्छा बाहर माया रूप से पंचभूत रूप से शरीर रूप से आकार आकृति रूप से अच्छा तेणुक यहाँ सत्य है यहाँ प्रमाण है भगवान कौन से रूप ना भगवान से कौन से चिन्ह वर्ण ना स्वरूप अलेख अव्यक्त ये कथा आम अनेक थर चर्चा होचे ये चैनल आप गले देखिपारे मांडुक्य उपनिषद उपर भी होती केनो उपनिषद उपर भी होती बृहदारण्य उपनिषद उपर भी होती आप देखिए सरी बृहदारण्य कहली आपंकर कठो उपनिषद उपर होती बुझिपार अनेक उपनिषद व्याख्या कर उपनिषद चर्चा होनी कहीं उपनिषद चर्चा हेले समस्ते सत्य को चिन्ही देवे आउ धर्म को लेकिन आम बिजनेस करें सठिक उपाय कौन उपाय बाहर पार उपाय बाहर देखू आम जहाँ भी ईश्वर उपासना करूचे आम शास्त्रगत करवा आम घरे गोटे भगवद्गीता रखा भगवद्गीता कौन बुझा जाऊँ बुझिकी ताकु आमे ता अनुजाय आमे पूजा पाठ करबा पूजा पाठ कुआ जाय पूजा पाठ माने पूजा करबा पाठ अनुजाय शास्त्र अनुजाय विधिवत करबा जम नियमर आचरण करबा आसन प्राणायाम को सिखिबा स्वाध्याय करबा ध्यान करबा प्राणायाम करबा बुझिपारसंती ये सब जिनस कले आप देखो आम जो छोटमोट भौतिक वस्तु पदार्थ को प्राप्त करने ईश्वर उपासना करचे भौतिक वस्तु पदार्थर ऊर्धर आप विराट जिनस को प्राप्त करेंगे विराट जिनस को ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेंगे से चिरंतन शक्ति जो शक्ति ये संसार को रचना करो शक्ति प्रत्येक शरीर भितर आधार रूप से विद्यमान अच्छा से शक्ति को आप चिन्हे एक कथा को बुझीपारे आपण मध्य से ही शक्ति से ब्रह्म सत्ता को चिन्हापी से ईश्वरीय चेतना सत्ता को चिन्हापी ये है मार्गदर्शन जिते आप निज सत्स्वरूप को चिन्हजे आप बुझीपारे आप अजर आपण अमर आपण अविनाशी शक्ति निजक अविद्यार देह मानी निजक अज्ञान इंद्रिय वृत्ति मनर जो विचार निजक मानि नहीं आप शरीर को इंद्रिय मन को विनियोग कर ब्रह्म शक्ति बुझिपारे से एक थे सी एक अच्छा से एक ही रे एकता को चिन्हे आध्यात्मिकता समाज को श्रृंखलित आध्यात्मिकता समस्त को एक कर आध्यात्मिकतार सत्य अच्छे सत्यर सटीक प्रचार न होवार धर्म को ये आध्यात्मिकता को मध्यम करन उपार्जन करने राजनीतिक प्रचार करने विनियोग करें अजाणत विराट बड़ माने अंधकूपर पड़ुचे बहुत अशांतिग्रस्त होचे मनुष्य समाज दिनकू दिन स्वार्थी पलटि चली आध्यात्मिक सठिक प्रचार न होवार आध्यात्मिकता को दुरुपयोग कर सदुपयोग न करिवार आमे बहुत सारा रोग रे व्याधि रे अशांति रे दिनकू दिन देखंतु चोरी बढ़ी मनुष दिनकू दिन जन जन को ठकी चली जन जन को भंडी चली खाद्य वस्त्र पंचभूत जल स्थल पृथ्वी सब माने दूषित ही गले पल्यूटेड सब पल्यूटेड हो गले कारण कौन स्वार्थी आज दुनिया गोटे इमित स्थित आसे पहुँची जी जहाँ को मान ता बिकी देकर जहाँ मान ता बिकी निजर धन उपार्जन करवा निजर जश उपार्जन करवा निजर ख्याति उपार्जन करवा समस्ते स्वार्थी पलटि चलते कहीं सत्य को कहीं बुझी पार ना आम संसार जितक भी शरीर अच्छे आम समस्ते एक आम समस्त मूल स्रोत है एक आम समस्त बेसिक सब्सटेंट है से ब्रह्म से ईश्वर बुझिपारे सत्यर प्रचार न होवार स्वार्थपे आम ये आध्यात्मिकता को विनियोग करुवर आम आध्यात्मिक उद्देश्य वृत्ति हो समाज विशृंखलित हो चली तेणुक बुझिपारे आध्यात्मिकतार उद्देश्य है ईश्वर को चिन्हा ईश्वर तो किसी पाइबानी ईश्वर सब देखो भौतिक वस्तु पदार्थ सब जहाँ भी आम इटे देखुचे सब से ईश्वर निर्माण कर भौतिक वस्तु पदार्थ को पाइबापी योजना करा पड़ो किंतु आध्यात्मिकतार मूल उद्देश्य है से ईश्वरीय सत्ता को आत्मतत्व को चिन्हा बुझिपार अच्छा गुरु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपण सागर कथा है जहाँ मु अनुसरण कली मु देखिली जे ईश्वर सब व्यक्ति देह विद्यमान ही अच्छा समस्त भितर आत्मा रूप से ब्रह्म रूप आम भौतिक उपाय जो मठ मंदिर प्रतिष्ठा करुचे मूर्ति स्थापना करुचे प्राण प्रतिष्ठा करुचे यह केवल ईश्वर को चिन्हा
ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତିନି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି ଈଶ୍ୱର ଅଜନ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଅଲେଖ ଈଶ୍ୱର ଅରୂପ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଏସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେଲା ମାଧ୍ୟମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ।